भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अंत काल में मेरा स्मरण मतलब भगवान का स्मरण करते हुए जो अपने शरीर का परित्याग करता है, जिसकी भाव भावना आखिर में भी प्रभु में रहती है, निश्चित ही वह प्रभु को प्राप्त करता है। अंत में जैसे जैसे यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, जिस भाव को लेकर आखिर में व्यक्ति शरीर को छोड़ता है, तम तम एव वैति कौन्तेय सदा तद भावम भाविता, तद भाव भाविता उसी भाव में वह समर्पित हो जाता है। आखिर में जिस प्रकार से भावना बनाते हुए शरीर छोड़ता है, वैसे ही शरीर की फिर प्राप्ति होती है। तो जीवन भर अपना नाम जप करते करते हमारी भाव भावना परमात्मा से जुड़ी रहे और हम अपने कर्म को दिव्य कर्म बनाएं, विचार भी दिव्य बन जाए, चेष्टा दिव्य हो, हमारे जीवन को एक दिव्य जीवन के रूप में हम ढाल सकें, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया। तो ये विचारणीय बात है कि किसी भी कर्म को दिव्य बनाया जा सकता है। एक महात्मा से पूछा गया कि हम अपने कर्म को दिव्य कैसे बनाएं, तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या काम करते हो। उसने बताया कि मैं कुम्हार का काम करता हूं। तो बोले, अपने काम में पवित्रता और ईमानदारी बरतो और ये समझो कि मैं भगवान का ही कार्य कर रहा हूं, तो तुम्हारा साधारण कार्य भी दिव्य कर्म होगा। कोई महिला भी अगर अपने घर में अपनी रसोई में भोजन बनाते हुए दिव्य भाव अपनाती है, नाम स्मरण करते हुए भोजन को समझती है कि ये मैं प्रभु का प्रसाद बना रही हूँ, तो भगवान को भोग लगाकर शेष को परिवार को समर्पित करती है, तो उसका भोजन भी दिव्य भोजन दिव्य प्रसाद बन जाता है। क्योंकि वो जिस भावना से किया गया वो भावना बहुत अद्भुत होती है, वही आपके कार्य को पवित्र करती है। और यदि आप मंदिर में पूजा करते हुए भी किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं और भगवान से भी कहते हैं कि भगवान मैं तो निपट नहीं पाया, तू बदला जरूर लेना, तब समझ में आता है कि हमारी पूजा भी दिव्यता से रहित हो गई। इसलिए दिव्य होकर कर्म कीजिए तो निश्चित रूप से कृपा होगी। जो जो भी कर्म हम लोग करते हैं उस कर्म को दिव्य कर्म बनाने की चेष्टा करें, और उसी रूप में जब शरीर का परित्याग होता है तो निश्चित ही सदगति की प्राप्ति होती है। वेदों में एक अलग तरह से भी संदेश दिया गया है। वहाँ ये कहा गया है, ये युध्यन्ते प्रदने शुशुरासो ये तनुत्यजः एवा सहस्र दक्षिणा तांश्च देवापि गच्छतात्। जो शूरवीर होकर देश और धर्म की मानवता की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं, वह गति भी वीर गति भी ब्रह्म गति से कम नहीं होती। हिमालय के किसी योगी की तपस्या सफल हो जाए और वो मुक्त हो तो जो कुछ उसको गति प्राप्त होती है, तो शूरवीर को भी वही गति प्राप्त होती है, साधारण कार्य नहीं। ये वा सहस्र दक्षिणा तांश्च देवापि गच्छतात्। और जिसने कमाया, कमाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते करते समाज के और जनहित के कल्याण में अपने धन का प्रयोग किया, कहते हैं वो भी सदगति के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि संग्रह से आप ऊंचे नहीं उठते, समाज के लिए दिखावा हो सकता है। किसी का भी सम्मान तब होता है जब वो उसके त्याग करके जनहित के लिए
समाज के लिए, परमात्मा के लिए जब अर्पण करता है, परमात्मा को अर्पित करते ही उसका कर्म दिव्य कर्म बन जाता है और तब उसको गति भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए याद रखिए कि हमें प्रगति का ही ध्यान न रहे, सदगति का भी ध्यान रहे। संसार में प्रगति हो हमारी, संसार सांसारिक दृष्टि से हम सफल हों, ये तो अच्छी बात है, प्रगति हो, लेकिन सदगति भी हो, लोक सुधरे परलोक भी सुधरे, शरीर छूटे तो उत्तम गति की प्राप्ति भी हो। इसके लिए हर व्यक्ति को कर्म करते हुए जरूर सोचना चाहिए कि जो भी हम कर्म करते हैं वह मेरी प्रगति के लिए भी हो और कुछ कर्म सदगति के लिए भी करें। तो जो कुछ भी आप करते हैं वो करना तब संभव होगा जब आप थोड़ी देर के लिए आत्मचिंतन करने के लिए समय निकाला करें। एकांत में अकेले बैठिए ना, खुद से बात कीजिए, खुद की मीटिंग खुद के लिए निर्णय करके आप निश्चित करें ना कि आज मेरी खुद के साथ मीटिंग है, आज मैं खुद से मिलूंगा, और फिर आत्मचिंतन करें, कुछ निर्देशन दे स्वयं को, और उसी में आप अपने कर्म की दिशा को भी तय करें। मेरा समय, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य कुछ अच्छी तरफ लगना चाहिए। तो जब वो आप करते जाते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए, यहाँ के खाते, यहाँ का अकाउंट तो यहीं रह जाएगा, लेकिन एक अकाउंट है आपके पुण्य का, उसका लेखा जोखा ऊपर वाला रख रहा है और आगे चलकर सुख दुख आपका उसी से निर्मित होगा। तो कुछ ऐसा कर चलिए जो साथ जा सके, ऐसी कमाई कर चलो जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। तो ऐसा कुछ पुण्य कर्म करने की बात सोचनी चाहिए। तो उसमें कुछ आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि भगवान कुछ कार्य मेरे बनाए तो मैं कुछ हिस्सेदारी उनके लिए करूं जिनको परमात्मा के प्यार की और हमारे सहयोग की बहुत जरूरत है। अपना घर बनाते हो तो कुछ थोड़े से पैसे बचाओ, किसी गरीब का घर टूट गया हो बाढ़ में, भूकंप में, कोई और तबाही में, उसका घर बनाने में मदद कर दीजिए, तो ये समझ लीजिए जो घर आपने अपना बनाया है उसमें बरकत भी पड़ेगी और कृपा भी बनी रहेगी, क्योंकि आपने अपने घर के साथ दूसरे का भी ख्याल रखा। अपने बच्चों को लायक बनाइए, लेकिन किसी गरीब बेसहारा बच्चे को लायक बनाने की जिम्मेदारी भी लो, उतना नहीं कर सकते हो, कुछ तो कर सकते हो, कॉपी किताबें दिलवा दीजिए। सर्दियों में आप किसी गरीब बच्चे का स्वेटर, अपने बच्चों के लिए स्वेटर खरीदते हैं ना, किसी गरीब बच्चे के लिए भी स्वेटर निकाल लीजिए। अपने बच्चों के लिए दवा भी, सहयोग भी, सब तरह से ध्यान रखते हैं। तो हॉस्पिटल में कुछ ऐसे वृद्ध भी होते हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, उनके लिए आप दवाई देकर आए। सेवा के बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, किसी भी तरह के सेवा कार्य के लिए मन में संकल्प लें कि इतना तो मैं करूंगा ही। किसी विधवा बेसहारा महिला की बेटी की शादी का अवसर हो, वहां सहयोग करिए। आपकी बच्ची की शादी, बेटे की शादी हो रही हो, थोड़ी सी राशि निकाल लीजिए अलग से कि किसी का घर आबाद कराने में मेरे घर से भी कुछ पूंजी जाएगी। तो आप कुछ भी इस तरह का कार्य करते हैं तो आपका कर्म दिव्य कर्म बनेगा, और यही तो चीजें हैं जो आपके लिए सदगति के लिए सहयोगी बना करती हैं। और ये ध्यान रखना, करें लेकिन जताएं नहीं, बताएं नहीं, दिखाएं नहीं, और शोर ना बचाएं।
मैं इतना दानी, मैं इतना सहयोगी, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, जब आप करें और दिखाएं नहीं, उसका बड़ा महत्व होता है। कभी कभी कुछ गरीब भी बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। बिहार में दरभंगा एक डिस्ट्रिक्ट है और शहर भी है, तो वहाँ एक बहुत बड़े विद्वान हुए। उन आचार्य शंकर देव को, उनके जीवन के साथ एक घटना जुड़ी हुई है। घटना जुड़ी हुई है कि जब वो बच्चा जन्म लेने को था, तो पहले ये नर्सिंग होम, प्रसूति गृह, इस तरह के तो प्रबंध थे नहीं। दाई सेवा करती थी, तो ब्राह्मण परिवार था, दाई को बुलाया गया। दाई ने प्रसूति कार्य करने के बाद बाहर निकली तो गृहपति को जाकर कहा, पंडित जी महाराज बधाई हो, आपका बेटा हुआ है। बधाई दी और साथ में उसने अपना हाथ फैला दिया आगे, क्या मेरी दक्षिणा दो, मेहनताना दो। तो पंडित जी बहुत गरीब थे बेचारे, हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ के कहा, दाई माँ अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक वायदा करता हूँ, मेरा बच्चा जिस दिन कुछ लायक होगा ना और पहली कमाई लेकर आएगा, तो हम अपने बच्चे को लेकर तुम्हारे घर आएंगे और आपकी झोली में इसकी पहली कमाई डालेंगे। बोल दिया, दाई माँ भी बच्चे को आशीर्वाद और उस घर के लिए मंगल कामना करके चली गई। गरीब लोगों के अंदर भी बड़ी भावना होती थी। अब तो लोग छोटी सी बात के लिए लड़ने मरने को तैयार होते हैं, अपना काम करा लेते हो, पैसे नहीं देते हो। वो भावना बहुत अद्भुत होती थी। और ये बच्चा पढ़ा, योग्य बना, दरभंगा के महाराज, वहां के जो राजा थे, वो मंदिर से दर्शन करके और गरीबों में कुछ बांटते हुए जा रहे थे। ये बच्चा दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहा था, इसके श्लोक बड़े मधुर कंठ से बोल रहा था ये, तो इसके श्लोक सुनने के लिए लोग खड़े हुए थे, तो राजा कह रहा था आगे आ गया। राजा ने बच्चे से कहा, बेटा कुछ हमें भी सुनाओ। इसे लगा कि आज राजा को सुनना चाहते हैं, तो बड़े आनंद के साथ इसने कुछ श्लोक सुनाए, उसका अर्थ सुनाया, व्याख्या करी, इतने भाव से कहा कि राजा के हृदय में आनंद रस का संचार हुआ। उसने थैली उठाई सोने के सिक्कों की और आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये ले बेटा। बच्चा हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था, तो वो कहा कि ऐसे हाथ की अंजलि बनाऊं। राजा ने उसके हाथ में सिक्के डालते हुए पूरी अंजलि भर दी और कहा, ये तुम्हारे लिए है। बोले, ये दान दे रहे हो क्या? बोले, नहीं दान नहीं है, ये दक्षिणा है। दान अलग चीज होती है, दक्षिणा अलग चीज है। गदगद होकर, प्रभावित होकर जब आप पवित्र ज्ञान लेते हैं और उस समय आप प्रभावित होकर जैसे गुरु के प्रति श्रद्धावान होकर गुरु दक्षिणा देते हैं, ऐसे किसी से ज्ञान लिया जाए और उसके प्रति फिर आभार व्यक्त करने के लिए, उसके अनुग्रह के प्रति धन्यवाद करने के लिए, जैसे धन्यवाद के फूल रखने होते हैं, वैसे ही दक्षिणा दी जाती। तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारी दक्षिणा है, और साथ में कह दिया, समझो तुम्हारी कमाई है ये। बच्चे को समझाने के लिए बोल दिया,
और राजा ने उसके सिर पे हाथ भी रखा और कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे इस नगर में इतने योग्य विद्वान लोग रहते हैं, ऐसा बच्चा यहाँ है। और बच्चा अपने हाथ में सोने के सिक्के लेकर घर गया। उससे पहले लोग दौड़ दौड़ करके गए और पंडित जी को जाकर बोले, महाराज आज तो आपके जीवन का बड़ा स्वर्णिम दिन है, आपके बेटे ने राजा को इतना प्रभावित किया कि बच्चे की पूरी अंजलि सोने के सिक्कों से भर दी। अब बच्चा संभल संभल कर धीरे धीरे चलकर आ रहा, सिक्का कोई गिरे नहीं। जैसे ही बच्चा घर में गया तो माँ बाप दोनों दरवाजे पर खड़े हुए, बेटा अंदर नहीं आना। क्या हुआ? चलो दाई माँ के पास, पहले कमाई लेकर आया ना, तो ये हमारा नहीं है। गरीब के घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं है, पहनने को ज्यादा कुछ नहीं, टूटा हुआ घर है। और कोई होता चुपचाप धीरे से कहता, चुपचाप अंदर आ, ये मौका मिला। रही बात दाई की, कुछ चांदी के सिक्के दे देंगे, इतना बड़ा क्या काम कर दिया उसने। लेकिन वो ईमानदार लोग, भावना वाले लोग, खजाना हजार बार आएगा लेकिन अंदर का खजाना बना रहना चाहिए, अंदर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। लाखों करोड़ों को लोग ठुकरा दें, उस तरह की ईमानदारी इस देश में थी, ऐसी भावनाएं थी हम लोगों के अंदर। तो बच्चे को लेकर चल पड़े, गांव के लोग भी पीछे पीछे, मोहल्ले भर के लोग पीछे पीछे, कहां जा रहे हैं। दाई माँ के घर पर गए, जाकर उसे कहा, दाई माँ आज मेरा बेटा पहली कमाई करके आया। राजा बहुत खुश हो गए इस बच्चे से। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत गुजरात देवदूत बालाश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन, आवास, शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है, इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली